तो आज हम ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या होता है ग्रीन फंक्शन? मैं कहती हूँ कि ग्रीन फंक्शन क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? यदि हम एक्स और टी की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इट सेटिस्फाई द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम्स। ये कहता है कि जो ग्रीन फंक्शन है वो ऑक्सिलरी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा। यानी ग्रीन फंक्शन, यानी एल, यदि हम एल ऑपरेटर लगा देंगे ग्रीन फंक्शन ऑपरेशन को, ग्रीन फंक्शन के ऊपर यदि एल ऑपरेटर लगा देंगे हम, तो वो डायरेक्ट डेल्टा, यानी डेल्टा एस माइनस टी के इक्वल आएगा। डायरेक्ट फंक्शन है ये, डायरेक्ट फंक्शन है ये डेल्टा एस माइनस का टी के ऊपर। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा? एस इजिकल टू ए, जी के ऊपर जीरो होगा, यानी बाउंड्री कंडीशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। फिर थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि कहता है कि ग्रीन फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी टी की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट में से यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो। तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या होता है, ग्रीन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ये क्या होता है, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन का यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, उनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, माइनस का वन बाई पी टी के इक्वल आएगा। पी टी क्या होता है, जो एल ऑपरेटर होता है उसका हाइएस्ट कोफिशिएंट पी टी होता है। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, वाई डबल डैश इज इक्वल टू एफ एस, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई जीरो और वाई एल के ऊपर क्या दे रखा है, इक्वल टू जीरो दे रखा है। इसके बाद अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। इसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी ग्रीन फंक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। एफ एस हो गया वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वाई ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो गिवन। अब यहाँ से हम ग्रीन फंक्शन को डिफाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम होमोजेनियस पार्ट यानी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया कि डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये फंक्शन आ गया। उसके बाद इसमें हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन लेते हैं, जब आपके पास m की वैल्यू जीरो जीरो हो तो c1 प्लस का c2x टू एक्स इस फॉर्म का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए, एक तो 1 और एक x। ये क्या है, आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए। इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, 1 और x। क्लियर हो गया, क्योंकि 1 का दो बार डेरिवेटिव करोगे आंसर जीरो आएगा, x का दो बार डेरिवेटिव करोगे आंसर जीरो आ गया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो हमें ग्रीन फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, हमें ग्रीन फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, इसको हम डिनोट करेंगे। जैसे कि इसमें जो ऑपरेशन ले रखा है ये एस में ले रखा, तो यहाँ पे एस कर लो एक्स की बजाय, तो यहाँ पे एस और टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इन्हीं के हमें कॉन्स्टेंट चेंज करते हुए दो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे, ए वन प्लस का बी वन एस, दूसरा क्या लिखोगे, ए टू प्लस का बी टू एस। यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है ये क्या होगा, जहाँ पे s की वैल्यू लेस देन t होगी, t एक ऑपरेटर होगा जहाँ पे हम पूरी लिमिट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और जहाँ पे ये s है वो t से बड़ा है, और लेस देन इक्वल टू कहाँ से और ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ से कहाँ लेना है, जहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है आपके पास, यानी जीरो और s। मतलब कि s हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये क्या है, l, l यहाँ पे है, तो यहाँ पे लास्ट क्या आ जाएगा, l। कहने का मतलब क्या है, ऑल ओवर इंटरवल क्या रहेगा, जीरो टू l रहेगा, जीरो टू l। हमें इसको t के ऊपर ब्रेक करना है, यहाँ पे फंक्शन लेना है ग्रीन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएंगे, यानी इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है उन्हीं के हमें कॉन्स्टेंट चेंज करते हुए दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे ये लेने हैं। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, a1, a2, b1,
B2। यदि आपके पास ये कॉन्स्टेंट, जैसे कि आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं या फिर चार इक्वेशन चार वेरिएबल होते हैं, वहाँ से हमें क्या निकालना होता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। जैसे कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करते थे, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, इसी टाइप से हम यहाँ पे A1, A2, B1, B2 हम इंच की वैल्यू निकालेंगे। किसका यूज करते हुए? प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन का यूज करते हुए। अब एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये कहता है कि जो ग्रीन फंक्शन है वो किसको सेटिस्फाई करता है, ग्रीन फंक्शन यानी जी सेटिस्फाइज बाउंड्री कंडीशन। जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है उनको ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक प्रॉपर्टी ये है। बाउंड्री कंडीशन कौन सी, देखो y00 है, y00 है तो ये है। एक क्या है y ऑफ l, ये भी जीरो है। इसका मतलब कि जी ऑफ, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो तो ऐसा है, टी तो एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हमने पूरे इंटरवल को क्या किया है, ब्रेक किया है। तो इसका मतलब कि जी ऑफ 0 टी इज इक्वल टू 0 आएगा, जी ऑफ एल टी ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। देखो ध्यान से, अब जहाँ पे एस 0 होगा, एस 0 तो इसमें होगा ना, देखो ध्यान से, और एस एल कब होगा, इसमें होगा। तो जब हम एस इजक्ल टू 0 पुट करें ऊपर वाला फंक्शन आएगा, जब हम एस इजक्ल टू एल पुट करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, A1 प्लस का B1, और एस की जगह पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या आ गया कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जी ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, A2 प्लस का B2 इंटू में एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में लिख लो, यानी A2 की वैल्यू यदि हम माइनस का B2 L रख लेंगे, इक्वेशन ये यहाँ पे डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से आपके पास जो ग्रीन फंक्शन है उसमें से आपके पास दो वेरिएबल तो रिमूव हो गए, कौन से, एक तो A1, A1 की वैल्यू 0 आ चुकी है। यदि A1 की वैल्यू 0 आ चुकी है तो यहाँ पे पुट कर दो A1 की वैल्यू 0। यदि A1 की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ और B1S। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू B2 में निकली है वो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी माइनस का B2 L, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपके पास, B2S। यहाँ पे सेम कंडीशन की S किससे लेस देन होगा, T से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और S ग्रेटर देन रहेगा T से लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना ग्रीन फंक्शन बन चुका है, सिर्फ आपके पास दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी रहती है। अब कौन सी वैल्यू निकालनी रहेगी, B1 की और B2 की। यदि आपके पास ये दोनों वैल्यू और निकल गई तो ग्रीन फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। तो वो दो वैल्यू कहाँ, दो जो B1 और B2 कॉन्स्टेंट है वो कैसे निकालेंगे, बाकी की दो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी क्या थी कि जो ग्रीन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस, किसके ऊपर, एट टी के ऊपर। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम एस को टी के नेगेटिव में अप्रोच करेंगे, और राइट हैंड लिमिट जब एस को हम टी की पॉजिटिव में अप्रोच करवाएंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि बी वन टी यहाँ से देखो एस की जगह पे टी यूज हो जाएगा, क्योंकि टी की लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं। टी की राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो इसका मतलब कि B2L प्लस का B2T हो गया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं B1T इज इक्वल टू B2, यदि हम कॉमन लें तो T माइनस का L लिखा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड डाल लो। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो रहती है कि ये क्या होता है, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे टी का लेफ्ट वाले के और टी के राइट वाले के, दोनों का डेरिवेटिव करो एस के रिस्पेक्ट में, यानी कर्ली जी बाय कर्ली एस एट एस इज इक्वल टू टी नेगेटिव पॉजिटिव कर लो चलो पहले, और माइनस का कर्ली जी बाय कर्ली एस, एस इज इक्वल टू टी नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस का 1/PT। PT क्या होता है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट PT होता है। तो यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे PT की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब जी का एस के रिस्पेक्ट में टी का पॉजिटिव देखो कहाँ पे, टी का पॉजिटिव तो यहाँ पे है। इसका हम एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो B2 आएगा। अब यहाँ पे इसका लेफ्ट में, यानी यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, B1 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर, यहाँ पे
बी वन और बी टू की एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फोर आ गई। अभी हमें इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बी वन टी इज इक्वल टू, इसके इक्वल है देखो यहाँ से बी टू टी माइनस का एस, एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन है बी टू माइनस का बी वन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, माइनस का वन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको चाहे यहाँ पे माइनस कर लो, इक्वल टू जीरो कर लो। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टी और ऐड कर दो इनको। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, बी वन टी माइनस का बी टू टी माइनस का एस इक्वल टू जीरो, इसकी मल्टीप्लाई टी से करनी है तो माइनस का बी वन टी प्लस का बी टू टी माइनस का टी ऐड कर दो। ऐड करेंगे कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे बी बाहर कॉमन, बी टू बाहर कॉमन, तो क्या आएगा टी माइनस का ऊपर वाला टी और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे माइनस का टी, इससे कैंसिल हो गया। तो बी टू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का टी बाय एस, बी टू की वैल्यू आ गई। अब यदि बी टू की वैल्यू आ गई तो यहाँ से बी वन की वैल्यू निकालो, बी वन कितना हो जाएगा वन प्लस का बी टू है, तो हैंस वन माइनस का टी डिवाइडेड बाई एस, ये आपके पास बी वन आ जाएगा। बी वन और बी टू आ गए, अब आपके पास ग्रीन फंक्शन आ गया, क्योंकि ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास दो ही कॉन्स्टेंट बचे थे, सिर्फ एक तो बी वन और एक बी टू। बी वन एस था, बी वन एस मतलब कि वन माइनस का टी डिवाइडेड बाई एस, इंटू में एस है ये यहाँ पे, और इंटू में ये कितना है आपके पास बी टू। यदि यहाँ से बी टू कॉमन ले तो यहाँ पे एस माइनस का एल बनेगा और बी टू की वैल्यू फिट हो जाएगी। बी टू की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे पकड़ो एस माइनस का एल, एस माइनस का एल, और बी टू की वैल्यू है माइनस का टी बाय एस, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास ग्रीन फंक्शन आ चुका है, ग्रीन फंक्शन आपके पास आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा सोल्व कर लोगे आप। सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा देखो, एस माइनस का टी इंटू में एस, ठीक। यहाँ से देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बी टू इंटू में टी माइनस का एल था, तो यहाँ पे बी टू इंटू में टी माइनस का एल आएगा, तो यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी एल आएगा और यहाँ पे भी एल आएगा और यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एल आएगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको एस इंटू में, एस इंटू में वन माइनस का टी एल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो तो एल माइनस का एस इंटू में टी डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे एस क्या आ गया लेस देन टी और एस क्या आ गया टी। अब ये ग्रीन फंक्शन आ गया, ग्रीन फंक्शन से आगे तो बस जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। क्या लिखेंगे हम, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस का ए टू बी जी ऑफ एस टी एफ टी और डी टी, और यहाँ पे हम यानी ए टू एस जी ऑफ एस टी इंटू में एफ ऑफ टी डी टी प्लस का एस इंटू में बी जी ऑफ एस टी इंटू में एफ टी और डी टी। अब यहाँ पे ब्रेक कर लिया हमने एस के ऊपर ए टू बी, मतलब जो भी इंटरवल है आपके पास, और उसके अंदर हम वैल्यू शिफ्ट करवाएंगे। बस जब आपके पास जो टी है एस से छोटा है, टी है जो एस से छोटा है, यानी ऐसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ग्रीन फंक्शन, यानी एस माई एल, एल माइनस का टी एफ ऑफ टी डी टी, और आपके पास जब टी एस से बड़ा हो यानी एस टू बी, और ये टी डिवाइडेड बाई एल, एल माइनस का एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये आपका पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ग्रीन फंक्शन आप देख लेना, ओके।